एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही पतले और हल्के बालों में अमेजिंग बन हेयर स्टाइल। तो आप देख सकते हो इनके बालों की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा, छोटे भी हैं और पतले भी हैं। अगर आपके भी इस तरीके के बाल हैं, आप पार्टी में शादी में जाते हो, आपको बन बनाने का मन करता है तो आप नहीं बना पाते हो, ऑब्वियसली बात है कि ऐसे में कोई हेयर स्टाइल समझ में नहीं आता है कि कौन सा हेयर स्टाइल करें, तो मैं आपको इसमें प्रॉपर बन हेयर स्टाइल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हेयर स्टाइल बना के दिखाने वाली हूँ। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आप ट्राई भी जरूर करना अगर आपके बाल भी इस तरीके से हैं तो, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला हेयर स्टाइल है, मैं सिंपल बैक साइड से बता रही हूँ, आप फ्रंट में, फ्रंट का भी नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड कर दूंगी कि फ्रंट से पतले हल्के बालों में कैसे हेयर स्टाइल करें। तो आपको सबसे पहले आपको पोनी बनानी होगी, एक तो ये देखिए मैं इनको पहले पोनी बना ले रही हूँ। आपको ज्यादा हाई नहीं बनाना है और लो पोनी बनाना है फर्स्ट हेयर स्टाइल में। तो यहाँ पे मैं पहले रबड़ बैंड लगा ले रही हूँ। रबड़ बैंड ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा टाइट ना हो। तो लूज रबर बैंड लगा लेना है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए और उसको रबर बैंड को थोड़ा सा, फिर ये रबर बैंड हमने लगा लिया, हल्का सा खींचना है, देन यहाँ पे आपको होल करना है और सारे हेयर्स को इसके अंदर इन करना है इस तरीके से, और साइड से ऐसे हेयर को पकड़ना है, दोनों साइड से इतना इन करिए कि पूरा रबर बैंड ढक जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो छोटे और पतले बालों में कितना प्यारा हेयर स्टाइल लग रहा है ये। एक पिन दीजिए, उसके बाद आप यू पिन की मदद से यहाँ पे एकदम सेंटर में यू पिन लगा देना है। और ये हेयर स्टाइल आपका फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपका हेयर बहुत पतला है। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिप वगैरह भी लगा सकते हो, इससे और भी अच्छा लुक आएगा। यहाँ से ऐसे पकड़ के इस साइड में ऐसे यहाँ पे क्लिप कर दो और देन यहाँ पे मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल बना के मार्केट जाते हो या फिर शादी पार्टी अटेंड करते हो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके बाल बहुत पतले हैं और बहुत छोटे बालों में ये हेयर स्टाइल बनाया है आपने। ओके, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट हेयर स्टाइल। आई होप कि फर्स्ट हेयर स्टाइल आपको अच्छे से समझ में आया हो, पसंद आया हो। तो चलिए सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैं पहले अपने इनके बालों को ओपन कर लेती हूँ। तो चलिए सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको पोनी बनानी है थोड़ी सी ऊंची। ओके, फर्स्ट हेयर स्टाइल में आपको एकदम लो बनानी थी लेकिन इसमें थोड़ी सी ऊंची बनानी है। तो सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको पहले ऐसे पोनी बना लेनी है, उसके बाद क्या करना है आपको लेना है क्लचर, मीडियम साइज का क्लचर ले लो या फिर बड़े साइज का भी क्लचर ले सकते हो अगर आपको बड़ा बन बनाना है तो। बट इसका, इनका बाल बहुत पतला है तो इससे बड़ा क्लचर लेंगे तो ये कवर नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो जस्ट पोनी के ऊपर, आपने जो पोनी बनाई है इसके ऊपर क्लचर को अच्छे से फिक्स कर लीजिए टाइटली। ओके, तो इस तरीके से फिक्स करने के बाद से बाकी बचे बालों को आपको राउंड राउंड करके क्लचर के चारों तरफ से लपेट देना है। ओके, और इसको यू पिन की मदद से जहाँ पे आपने लास्ट पॉइंट आपके हेयर का आया था वहाँ पे आप यू पिन से उसको सेट कर लीजिए और इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। ओके, साइड से ऐसे रहेगा, देखिए कितने छोटे बालों में कितना परफेक्ट और अच्छा सा हेयर स्टाइल आपको मिल जा रहा है। ओके, तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। फिर थर्ड हेयर स्टाइल के लिए आपको पोनी उतनी ही ऊंची रखनी है, देन सारे बालों को आपको ऊपर की तरफ करना है। ओके, और
जैसे आपने ऊपर की तरफ से पोनी पे क्लचर लगाया था सेम उसी तरीके से आपको नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ हेयर करके और फिर से क्लचर लगा देना पूरा टाइटली। ओके एकदम टाइटली कीजिएगा ताकि आपका रबर बैंड दिखे ना। और आपको ऐसे ही करना है, देखिए कितना वॉल्यूम आ गया है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको कंघी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप कॉम से बालों को सुलझाओगे तो आपका जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए आपको कॉम बिल्कुल नहीं लगाना है। एकदम टाइटली आपको ये क्लचर को बालों में लगा देना है। जब तक टाइट ना हो जाए तब तक आप उसको टाइटली लगाते रहिए। उसके बाद फिर पूरे बालों को इस तरीके से फैला दीजिए क्लचर के चारों तरफ और बाकी बचे बालों को। यहाँ पे आप रबर बैंड भी लगा सकते हो, वैसे मैं रबर बैंड लगा के ही दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद से क्लचर को अच्छे से कवर करके आपको यहाँ पे एक रबर बैंड लगा लेना है। अगर बहुत पतले बाल हैं इनकी तरह तो आप इस तरीके से पतला रबर ले सकते हो, अदरवाइज अगर थोड़ा सा लॉन्ग हेयर है या फिर मोटा है तो आप दूसरा भी रबड़ यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से क्लचर को ढकते हुए ये रबड़ को आप पिन करोगे और यहाँ पे यूपिन की मदद से इसको भी ढक लोगे। जिधर से आपको लगे कि आपके बाल दिखेंगे, मतलब क्लचर दिखेगा वहां से आप ये यूपिन से इसको ढक दीजिए। क्लचर पूरा अच्छी तरह से हाइड हो जाना चाहिए। और ये है थर्ड हेयर स्टाइल का फाइनल लुक, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। इसको अच्छे से कवर कर दीजिए। ओके और ये इस साइड का लुक है और ये ऊपर से इस टाइप का लुक आएगा। रबड़ कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम वाला बन दिखता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। पतले वालों के आप ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। आपको चौथे हेयर स्टाइल में भी इसी तरीके का पोनी बना होना चाहिए। ओके उसके बाद से आप डोनेट ले लो इस टाइप का, जितना बड़ा आपको जूड़ा चाहिए उतना बड़ा डोनेट ले लो। उसके बाद से सारे हेयर्स को डोनेट के चारों तरफ इस तरीके से फैला लेना है और डोनेट को अच्छे से ढक देना है। उसके बाद आपको रबर बैंड लेना है और इस डोनेट को कवर करते हुए इस तरीके से रबर बैंड को निकाल लेना है। और ये ध्यान दीजिएगा कि डोनेट पूरा अच्छे से ढक जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से ढक जाना चाहिए। और बाकी बचे बालों को सिंपली आप इस तरीके से रोल करते हुए जूड़े के चारों तरफ लपेट दीजिए और यू पिन की मदद से इसको सेट कर दीजिए डोनेट और हेयर के बीच में। इस तरीके से सेट कर देना है। अच्छे से यूपिन लगा लीजिए ताकि जूड़ा खुल ना जाए बाद में। तो ये कुछ इस तरीके का लुक आएगा। ये भी काफ़ी प्यारा लगता है शादी पार्टी के लिए। आप पतले बालों में इस तरीके का हेयर स्टाइल बना के और गजरा लगा दो, बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाएगा आपका। तो चलिए चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। पांचवे हेयर स्टाइल में भी आपको पोनी और डोनेट से ही बनाना बताऊंगी। तो ये पोनी आपने बना रखी है, डोनेट जैसे हमने फिक्स किया था वैसे ही फिक्स करना है। इसमें पहले सिर्फ आप यहाँ पे डोनेट के बीच में एक यूपिन लगा दीजिए। उसके बाद से आधे हेयर्स को ऊपर लीजिए और रबर बैंड लगा दीजिए जैसे आपको लगाना था, वही सेम तरीका है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। उस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या अलग तरीका बता रही हूँ मैं इसमें। इसमें थोड़ा सा बीच से आपको हेयर निकाल लेना है। ओके और देन ये सारे बालों को फैला देना है डोनेट के चारों तरफ ताकि आपके हेयर दिखे ना, सॉरी डोनेट ना दिखे आपका। इस तरीके से करने के बाद से ये जो आपका हेयर बचा हुआ है इसको आप अच्छे से चारों तरफ लपेट लीजिए जूड़े के। बहुत ही पतले वाले हैं, थोड़ा सा बड़ा रहे तो आप इसको चोटी या फिर राउंड चोटी बना के भी लपेट सकते हो।
और ये बाकी बचे बाल को आप इस तरीके से ट्विस्ट करोगे। ट्विस्ट करके इसको राउंड राउंड लपेटोगे, देन जूड़े के बीच में एकदम सेंटर में लाके यू पिन की मदद से इसको सेट कर दोगे। इसके बाद आप स्टोन वाली यूपिन्स ले लो और बीच में एक सेंटर में लगा दो और चार पांच इसके साइड साइड में लगा दो, तो ये वाला हेयर स्टाइल भी काफी प्यारा लगेगा आपका। तो ये हेयर स्टाइल कुछ इस तरीके का आएगा। तो ये सारे हेयर स्टाइल यहाँ पे मैंने बना दिए हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ें ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ। और आपको सारे हेयर स्टाइल कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा मुझे, और पसंद आए हों तो प्लीज़ भरपूर लाइक दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने की हेयर स्टाइल और हेयर कट की वीडियो देखने के लिए। और बहुत ही गोल चेहरे पे कैसे हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं, लंबे चेहरे पे, राउंड फेस पे, चौकोर माथे पे, छोटे फेस पे, हर टाइप की वीडियो आप लोग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी हेयर स्टाइल से रिलेटेड। तो ज़रूर जाइए और चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और अच्छे से हेयर स्टाइल भी समझ में आया होगा। तो आपके पास भी इस तरीके का कस्टमर आ जाए जिसको बन बनवाना है और बहुत ही पतले हेयर, दुबले पतले बेजान से हेयर हैं, तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल उनको बना सकते हो और काफ़ी अच्छा लगेगा, और शादी पार्टी में भी काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाएगा उनका। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि उनके बाल बहुत ही कम और पतले हैं, तो फ्रंट साइड से भी बहुत ही पतले हल्के बालों में हेयर स्टाइल जरूर लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए। और अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाय बाय। किस टाइप की हेयर स्टाइल पे, किस टाइप की स्किन टाइप पे आपको हेयर स्टाइल चाहिए जरूर सजेस्ट कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।